हमने इनमें यही एक मैसेज डाली कि काउंसलिंग के प्रोग्राम्स जारी हो जाए अपने घरों में, अपने महलों में, अपने गलियों में, अपने तहसीलों में, अपने विलेजेस में, ताकि कोई माँ, कोई कोई बहन, कोई बच्चा बच जाएगा इस लतपत से जो ये अनएथिकल एक्टिविटीज़ है। इससे हम भी चाहते हैं कि छुटकारा मिले और सारे सोसाइटी के लोग भी चाहते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन, जो हमारे आईमा हजरात हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, फर्दन फर्दन सबको आगे आना होगा ताकि इस लतपत से हमारा माशरा साफ और पाक हो जाए। अभी यहाँ पे ड्रग अवेयरनेस एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम उस पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम केसेस में यही देखा है। व्हाइल वी डॉक्यूमेंट द केसेस, हमारे पास एक पोर्शन आता है जहाँ पे हमें आता है कि रीज़न फॉर द वायलेंस क्या है, जिसमें कि हमें मैक्सिमम केसेस का यही देखा है कि वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ या ड्रग अडिक्ट या गैम्बलिंग में जो है परपेट्रेटर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से वायलेंस होता है बच्चों और चिल्ड्रंस पे। तो कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन हु इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, ही और शी कैन रिपोर्ट टू अस।